हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में देखेंगे पाल कला या फिर कहें तो पाल शैली। बेसिकली ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, यानी 8th से 12th सेंचुरी के बीच में, ये बिहार और मध्य बिहार और बंगाल के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से फैला था। और उस समय वहाँ के जो रूलर थे, पाल शासक और सेन शासक, ये दोनों ने काफ़ी इसको संरक्षण दिया, इसको पैट्रोनाइज किया और इस कला को काफ़ी ज़्यादा इसको संरक्षण मिला। ये बेसिकली ये कला था वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से प्रभावित था और एक अलग ढंग का एक कला डेवलप किया गया था जिसका नाम था पाल शैली। बेसिकली पाल कला के बारे में बोला जाता है कि गुप्त काल के बाद वाला, यानी कि लेटर गुप्त पीरियड के समय का जो आर्ट था, उसी आर्ट को फॉलो किया गया। लेकिन वो आर्ट धीरे धीरे एक एडवांस्ड स्टेज में पहुँचा और एडवांस्ड स्टेज में पहुँचने के बाद वहाँ से वो उस कला से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, थोड़ा सा अलग हुआ और अलग होने की वजह से एक नया शैली का डेवलपमेंट हुआ जिसको हम लोग कहते हैं पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट्स, यानी पाल कला का डेवलपमेंट हुआ और ये अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी बना ली, एक अपना अलग पहचान बना ली। अभी हम लोग देखें तो पाल कला में हम लोग इसको जो कैटेगराइज करें, अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला स्कल्पचर यानी मूर्तिकला, दूसरा मुदल या फिर भित्ति चित्र कहें, और तीसरा पेंटिंग यानी चित्रकला, और चौथा टेराकोटा जो कि मिट्टी की मूर्ति की बात होती है, और पांचवा हो गया आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला। तो हम लोग इतने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके हम लोग आगे के सेक्शंस को देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला यानी स्कल्पचर। स्कल्पचर उस समय का एक विशिष्ट शैली था। पाल युग में विशिष्ट शैली का विकास हुआ मूर्तिकला का, और उस समय बुद्ध की बहुत सारी मूर्ति बनाई गई। और पाल शासन के समय में अगर देखा जाए तो नालंदा, बोधगया, कुकरिहार, फतेहपुर, इमादपुर, राजगिरी, भागलपुर, इन सारे जगह पे उस समय पाल शासन काल में मूर्तिकला का एक केंद्र बना हुआ था। उस समय मूर्ति के लिए जो मेनली इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था पत्थर और धातु। पत्थर में यूज किया जाता था ब्लैक बसाल्ट स्टोन को, और मेटल में यूज किया जाता था ब्रॉन्ज को। ये दोनों चीज़ यानी पत्थर और धातु दोनों से मूर्ति बनाई जाती थी, और मूर्ति इतनी खूबसूरत होती थी जो कि अपनी सुंदरता के लिए आज भी प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों का निर्माण उस समय का जो महान कलाकार थे धीमन और उनके पुत्र विठपाल, ये दोनों को देख रेख में ही हुआ था। पाल काल में कहा जाता है कि उस समय बुद्धिस्ट के साथ साथ, यानी बुद्ध के साथ साथ, हिंदू देवी देवताओं को भी बहुत सारे मूर्ति बनाए गए, जैसे कि विष्णु, बलराम, सूर्य, गणेश, इन सारे की मूर्तियाँ भी बनाई गई। यानी कहा सकता है कि पाल कला के समय यानी बौद्धिस्ट के साथ साथ, बौद्धिस्ट कल्चर के साथ साथ हिंदुइज्म कल्चर को भी काफ़ी उस समय सराहा गया था और उसका भी संरक्षण किया गया था। मूर्तिकला के उस समय के अगर हम स्कल्पचर की विशेषता बताएं तो उस समय की मूर्तियां काले और बेसाल्ट पत्थर से बनाई जाती थी, और काले और बेसाल्ट पत्थर जो है संथाल परगना और मुंगेर जिला की पहाड़ी से लाए जाते थे। मूर्ति का जो फ्रंट पार्ट था यानी फ्रंटल पोर्शन था, यानी आगे का जो भाग था, उसको काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता था। मूर्तियाँ जो है वो कलाकारी में बहुत अच्छा था, और ये कलाकारी जो है उस समय की मैच्योरिटी लेवल दिखलाती है, परिपक्वता दिखलाती है कलाकार का। मूर्तियों में काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंटल यानी काफ़ी गहना सजाया जाता था, अलंकरण काफ़ी अच्छा था जो कि उसे और भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता था। बुद्ध की मूर्तियों में उनका जीवन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण घटना था उसको मेंशन किया जाता था, जैसे कि उनका जन्म, जो पहला उपदेश था, निर्वाण, ये सब को दिखाया गया है। अधिकांश मूर्तियाँ हाथ से बनाई गई है और इन पर तंत्रपान यानी कहा जाए तो वज्रायन, बुद्धिज्म कल्चर का वज्रायन शाखा का इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, और वज्रायन को विक्रमशिला महावीर में काफ़ी सराहा गया था, उसको संरक्षण किया गया था यानी उसका शिक्षा दिया जाता था। दूसरा देखें तो मुदल यानी भित्ति चित्र कहा जाए तो चित्रकला का ही एक अलग रूप है, और इसको नालंदा जिला के सराय स्थल से प्राप्त किया गया है। यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ एक बड़ा चबूतरा है, उसके नीचे के भाग पर कुछ ज्यामिति आकार के फूल की आकृति और मनुष्य की आकृति और पशु का चित्रण किया गया है। इसमें से हाथी, घोड़ा, नर्तकी, बोधिसत्व, ये सारे इसमें प्रमुख हैं। और इस भित्ति चित्र पे अजंता और बाकी गुफा चित्रों की शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखा सकता है, यानी अगर अजंता के समय का जो मुदल पेंटिंग था, जो भित्ति चित्र था, उसका इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है पाल के शासन काल में। अगर पेंटिंग की बात करें तो उस समय का जो पेंटिंग दो भाग में डिवाइडेड था, एक था मनुस्क्रिप्ट यानी जो कहा जाए तो पांडुलिपि, और दूसरा था वाल पेंटिंग यानी जिसको मुदल भित्ति चित्र भी कहते हैं। मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग था वो तालपत्र पर लिखा जाता था, और पेंटिंग जो था वो अभी भी सेफली रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अभी मिलेगा। उस समय कलर के रूप में देखा जाए तो रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर को प्राइमरी कलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा जो सेकेंडरी कलर्स होते थे वो थे ग्रीन, पर्पल, लाइट पिंक,
ग्रे, ये सारे कलर को सेकेंडरी कलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और बेसिकली ये जो कला था ये बुद्धिज्म कल्चर का यानी बुद्धिज्म का वज्रायन शाखा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। अगर हम लोग देखें टेराकोटा यानी मीन मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति की बात करें, तो उस समय आर्टिस्टिक ब्यूटीफुल के लिए माना जाता है कि उस समय टेराकोटा बहुत काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल पर आ गया था और उसका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था पाल पीरियड के समय में। उसका जो मेन पर्पस था जो मूर्ति कला यानी जो मीन मूर्ति यानी फिर टेराकोटा का जो मेन पर्पस था वो था कि उसको दो तरह से इस्तेमाल किया जाता था। एक था कि स्टैचू के रूप में डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था सजावटी रूप में और कुछ को दीवार पे रिलीजियस के रूप में यानी धार्मिक सिंबल के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो मूर्ति जितना भी जो टेराकोटा बनता था वो उस समय के लाइफ स्टाइल को दिखलाता था, उस समय के कल्चर को दिखलाता था, उसमें का रीति रिवाज को इसमें दिखलाता था। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक माना जाता है कि एक महिला जो है वो एक हाथ में आईना लिए अपने आप को निहार रही है और दूसरे हाथ की उंगली से अपने मांग पर सिंदूर भर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से इस चित्र को दिखलाया गया है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें यानी स्थापत्य कला की बात करें, तो उस समय के पाल वंश के जो शासक थे वो काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर में उन लोग काफ़ी अच्छा ज्ञान था और उस समय का महान निर्माता के रूप में गिने जाते थे। उस समय का जैसे कि देखा जाए तो नालंदा, विजयशिला, ओदंतपुरी जो कि राजगीर के पास है, सोमपुरी, इसमें कई बौद्ध विहार और मठ का बनाया गया जो कि इसका अवशेष आज भी देखा जा सकता है। पाल के जो शासक थे गोपाल, उन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार, सोमपुर और ओदंतपुरी में मठ, महिपाल जो उस समय के राजा थे पाल शासक, उसने काशी में सैकड़ों भवन और मंदिर का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला महावीर बनवाया। इसके अलावा कहा जाए तो कहलगांव का गुफा मंदिर बनाया, गया का जो विष्णु पद मंदिर है उसका अर्ध मंडप भी बनाया गया था, सूरजगढ़ जय मंगलगढ़ उस समय जो है पाल के स्थापत्य कला का एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में माना जाता है। पाल कला के समय जो भी उसमें का जो आर्टिस्टिक अवशेष है, जो कला का अवशेष है, वो अभी भी सुरक्षित रखा गया है नेपाल में और कोलकाता में, और बोस्टन म्यूजियम है USA में वहाँ भी रखा गया है। इस कला का एकदम अचानक से अंत हो गया था क्योंकि उस समय जो मुस्लिम रूलर थे यानी मुस्लिम आक्रमणकारी अटैकर्स, उसने अटैक किया और पाल आर्टिस्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और पाल कला के समय के जो आर्किटेक्चर था उसको भी ध्वस्त किया। तो उस समय के जो कलाकार थे वो भाग के नेपाल चले गए और इस कला का वहाँ पर ही स्वच्छता का वहाँ पर विकसित किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस कला का अचानक संत हो गया। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय।